बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, यहाँ पर इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये इस खबर पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून वापसी पर राजनीतिक दिग्गजों की जो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी जाहिर की है। आज प्रकाश पर्व पर सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है, कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर किसानों को मुबारकबाद दी है। इसके अलावा देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया है, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। कृषि कानून पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया, और वहीं इस बीच हमारे साथ उत्तराखंड से कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी यहाँ पर हम सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो बड़ा ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से कृषि कानूनों को वापस लेने का किया गया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ अन्नदाताओं की जीत है, किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है। जो लोग विगत कई महीनों से इस आंदोलन को धार दे रहे थे, आंदोलन पर तमाम यात्राएं सह रहे थे, तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, उन किसानों ने जो शहादत दी, ये उनकी जीत है। और हमने हर हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सदन में भी सरकार को घेरा था, सदन के बाहर भी किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था, किसानों की मांगों को जायज ठहराया था। आज प्रधानमंत्री को अंततः देश की महान जनता से माफी मांगनी पड़ी, किसानों से माफी मांगनी पड़ी, अन्नदाताओं से माफी मांगनी पड़ी, और ये कानून वापस लेकर निश्चित रूप से एक अच्छा काम उन्होंने किया है, क्योंकि देश लोकतंत्र में जनता बड़ी चीज होती है, जनता का जो आधार होता है वो बड़ी अहमियत रखता है, आंदोलन बड़ी अहमियत रखता है, और इस आंदोलन से निश्चित रूप से किसानों की जीत हम इसको कहेंगे, और हजारों हजार करोड़ों करोड़ किसान भाइयों का अन्नदाताओं की जीत है। और प्रधानमंत्री जी को ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तमाम अवसरों पर कहा कि प्रधानमंत्री जी किसानों के पेट पर लात मार रहे हैं, दो उद्योगपतियों के सहारे वो देश चलाना चाहते हैं और कुचलना, लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री जी को भगवान ने शक्ति दी और उन्होंने ये काले कानून वापस लेकर निश्चित रूप से किसानों की भावनाओं को जी। जोशी जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस पर आरोप लगते रहे कि ये कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, कांग्रेस से प्रेरित है, लेकिन आज यहाँ पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घर को लौट जाएं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये उनका आरोप निश्चित रूप से था, और कांग्रेस ने हर हमेशा किसानों की मांगों का समर्थन किया था। जो काले कानून आए तो हमने तो पार्लियामेंट में भी मना किया था, लेकिन सरकार तो लोकतंत्र विरोधी कदम उठा रही थी, ये सरकार तो लोकतंत्र विरोधी सरकार है ना, ये कहां किसी की सुन रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने माना कि जो आंदोलन कर रहे हैं एक पिछले एक साल से बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो किसान है। बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर लगातार रिएक्शन हम आपको तमाम दलों के नेताओं के सुनवा रहे हैं, और सब इसे किसानों की बड़ी जीत मान रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक और आप प्रवक्ता मोहन नेगी भी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। मोहन नेगी जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार, दिग्मोहन नेगी जी, बिल्कुल सर, आपका भी रिएक्शन हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। किसानों को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है और बड़ा ऐलान उनके लिए प्रधानमंत्री ने किया है। निश्चित तौर पर मैं ये उन 700 से ज्यादा किसानों की शहादत की जीत मानता हूँ कि आज इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई उनको हमें समझने में भूल हुई है, लेकिन भूल एक हफ्ते की होती है, एक महीने की हो सकती है, लेकिन एक साल तक किसान लगातार आंदोलनरत थे, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। और किसानों ने पहले ही कहा था कि ये तीनों ही जो कृषि कानून हैं ये भारत देश के किसानों के विरुद्ध हैं, और आज अगर सरकार को समझ में आई है तो निश्चित तौर पर ये जो आज कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने वो सराहनीय मैं कदम उसको बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनकी शहादत को वापस किस तरीके से अब सरकार उनकी शहादत की कीमत किस तरीके से आंकती है ये देखने वाली बात है।
और आज पूरे देश में खुशी की लहर है कि आज एक साल से पूरे देश में सब आज खुश है। खासतौर